सो दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट जो पड़ाव है, ये जो आप पीछे आकृति देख रहे हो, ये लालजी टेम्पल है, लालजी मंदिर। बहुत ही खूबसूरत वातावरण है यहाँ पे, और ये मंदिर सन 1658 में मल्लराज द्वितीय वीर सिंह ने बनाया था। जो पहला दरवाजा दिखाया था, उसके बाद हम लोग टीले में गए थे, उसके बाद देवाशीष ने सेकंड जो दरवाजा दिखाया, उसके अंदर से आप आओ, जस्ट उसके दो एक कदम के अंदर ही आपको ये मंदिर मिलेगा। अच्छा, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में घंटी जरूर बजाइए। घंटी कहती है हमें बजाओ। तो ये विष्णुपुर की हवा महल, ये राजस्थान की हवा महल नहीं है, विष्णुपुर की हवा महल है। एक है, ये दो है, तीसरा और ये चौथा। राज परिवार की महारानी थी इस रूट से, मतलब जो देवाशीष ने अभी दिखाया, यहाँ से आके वो यहाँ पे स्नान करती थी, नहाती थी। हवा महल से निकलने के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है माता मृण्मयी का मंदिर। इस मंदिर में वीडियो शूटिंग करना मना है, ये हमें कहा गया है, इसलिए अगर खास करके जो मूर्ति है उसकी शूटिंग करना मना है, उसका शूटिंग है, आप बाहर की शूटिंग कर सकते हो। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने एक आपको वीडियो दिखाया था, जहाँ पे मैंने कहा था कि एक टीला था, और यहाँ के जो महाराज है यानी राज परिवार है, उनका जब दुर्गा पूजा होता है तो वहाँ से कमान से गोला फायर किया जाता है, तो ये गोला आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा। और ये कहा जाता है कि 997 में मल्लराज जगत मल्ल ने इस मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, यहाँ पे जब दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा के वक्त यहाँ पे पॉट के मूर्ति के द्वारा पूजा है। पॉट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। पॉट है एक मिट्टी की थाली, उसके ऊपर रंगों द्वारा उसका चित्र किया जाता है, तरह तरह के देव देवियों के चित्र। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे पूजा होती थी, और 15 दिन तक ये पूजा चलती थी। ठीक है, तो ये रहे राधेश्याम की मंदिर। सन 1758 में मल्लराज चैतन्य सिंह ने इसको बनवाया था, ये भी माकड़ा पत्थर से बनाया गया है, आप देख सकते हो। हम लोग अभी कहाँ पे आए हैं? ये है आपका रासमंच टिकट इशू होता है यहाँ, रासमंच से जोर बांग्ला मंदिर कहता है यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य की वश हम लोग अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर पा रहे, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मना है वीडियोग्राफी करने के लिए। टिकट दिखा दो देवाशीष। दोस्तों ये जो मंदिर आप देख रहे हो, इसे जुगल किशोर मंदिर कहा जाता है।
दोस्तों ये महाप्रभु जी की मंदिर थी। दोस्तों इसे गुमघर कहा जाता है, इसका मतलब है उन दिनों में जो अपराधी हुआ करते थे उनको सजा दिया जाता था यहाँ पे। इसमें कोई दरवाजा और खिड़की नहीं है, लेकिन ऐतिहासिकों का मानना थोड़ा अलग है। वो लोग कहते थे कि पानी का टैंक हुआ करता था। 1700 शताब्दी में मल्लराज वीर सिंह ने इसका निर्माण किया था। এখন এখন বিশ্ববিখ্যাত একটি টেরাকোটা মন্দিরে আপনারা প্রবেশ করলেন। এই মন্দিরের নামকরণ করা হয়েছে শ্যাম রায়, শ্যাম মানে শ্রীকৃষ্ণ, রায় মানে রাধা। লোকার নামে পরিচিত হচ্ছে পঞ্চরত্ন বা পঞ্চশিখর বা পঞ্চচূড়া। এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল হচ্ছে 1643 সাল, বীর হাম্বিরের ছেলে রঘুনাথ সিং তৈরি করেছিলেন। दोस्तों इसे सर्वमंगला माता की मंदिर कहा जाता है। এখান থেকে আপনার এই ঘাট ছিল জলের, যে আস্তে আস্তে ধ্বংসস্তূপে এখন এখানে পরিণত। यहाँ पे जो बार डैम आप देख रहे हो इसे लालबाग कहा जाता है। तो इसके पीछे एक कहानी है, जो मल्लराज द्वितीय रघुनाथ सिंह थे उनके समय पे एक नर्तकी को जिसके नाम है लालबाई, उन्हें लाया गया था यहाँ, और राजा इस लालबाई के प्यार में पड़ गए थे। इसके वजह से रानी और अन्य प्रजाओं ने उनका कत्ल कर दिया। इसके बाद ही इस बात का नाम पड़ा है लालबाई। तो ये है कहानी, पता नहीं कितने सच्चाई है इसमें। तो हमें भी इस कहानी के बारे में पता चला है। दोस्तों हम लोग इधर आओ देवाशीष, जाना थोड़ा जाना। तो देवाशीष हम लोग कहाँ से निकल के कहाँ से निकल के आए अभी? लालबाग से निकल के बाद हम लोग अभी कहाँ है? लालगढ़ आए, लालगढ़ इको पार्क। ये लालगढ़ 1700 शताब्दी में निर्माण किया गया, मल्ल राजाओं ने निर्माण किया था। कौन से मल्ल राजा ये पता नहीं चला। तो इसके खासियत है इसके अंदर एक पानी का टैंक हुआ करता था, पानी का जो आधार हुआ करता था बड़ा सा, वो 40 फुट गहरा ही है उसका, जो कुआ भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या है अंदर, चलिए। दोस्तों ये रहा है ये कुआ जिसके बारे में मैं बता रहा था बाहर। 2001 साल के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक नेचर पार्क बनाया गया है। इस कुआं की गहराई कम से कम 40 फीट है। उधर दूर जो टावर दिख रहा है वो वास्ट टावर है, इसे नजर मीनार भी कहते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जनाइए, सॉरी बताइए। तो दोस्तों हम लोग अभी कहाँ पे आए हैं? ये है इसलिए टिकट क्या है प्राइस? 10 रुपए करके। अब उल्टा कर दो, सीधा कर दो, उल्टा ही हो। क्या है ये? कोई इसरो का? अरे इसरो का प्रोजेक्ट नहीं है भाई, इसरो का प्रोजेक्ट नहीं है, ये दूरदर्शन का टावर है। দিয়ে দিদি কত ওটা জোনায়টা কাজ করতে না।